तो गाइज आज तुम्हारे भाई ने फिर से लगा दिया है सोलो वर्सेस स्क्वाड, और ऊपर की साइड देखो एक स्क्वाड आ रही है। तो गाइज एक भैया क्या बोल रहे हैं, भैया ये कंटाप क्या होता है? हमने कहा लो भैया इंग्लैंड से आए हो क्या, तुमको कंटाप ही नहीं पता? अभी दिखाते हैं पप्पा। मेरे को लगता है गरीना वाले आज हमसे बहुत प्रसन्न है, उतरते ही MP5 मैक्स पकड़ा देते हैं। और एक चुटैया वाले दूसरे उतरते हैं, वो तो भाग जाते नीचे। हमने कहा लाओ इनको ही पहले फिनिश मारो, क्योंकि भैया रिवाइव करने की स्ट्रेटर्जी बहुत फास्ट है, एकदम 2 सेकंड में रिवाइव हो जाता है। हम इधर बंदों को नॉक करते रहे, वो उधर रिवाइव करते रहे, पता चले बाद में चारों मिलके हमको ही परलोक पहुंचा दिए। और हम इधर आते तो हमको चुटैया वाले भैया दिख जाते। क्या भाई तुमको इतने बड़े बड़े बाल करके नेटवर्क तो एकदम बढ़िया मिलते होंगे यार, तभी मैं सोचूं हमारा पिंग इतना ऊपर नीचे क्यों होता है, सारे नेटवर्क यही ले जाते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, घंटा? वैसे अभी के टाइम पे देखो चुटिया की दलाई करने के बाद कितना बढ़िया पिंग आ रहा है ना। और इधर आके देखते तो एक आदमी चड्डी पहन के अंदर लूटने में लगे पड़े है। इनके ऊपर जैसी तो गोली पड़ती है, ये चड्डी पकड़ के इतनी तेज भागता है एकदम गायब। मैंने कहा भाई तुम्हारा लोटा इधर ही रह गया। तो थोड़ी देर बाद ये फिर से अपना लोटा लेने आ जाते हैं, लेकिन इस बार अकेले नहीं आते, अपने टीममेट को भी साथ में लाते हैं। हमने कहा भागो भैया, अगर 2 सेकंड और रुक गए तो ये दोनों मिलके हमारी लुटिया लुड़का देंगे। और आपको तो पता ही है आपका भाई भागने में बहुत तेज है, उधर से तो हम इन लोगों को उल्लू सुल्लू बना के निकला, और इन दोनों लोगों को हम ऐसा चक्कर कटाते हैं एक तो उसी चक्कर में हम फंस जाते हैं, वो अभी भी हमको वहीं ढूंढ रहे। और ये बहुत चालाक रहते, बादाम वादाम ठूसते होंगे तो ये बहुत जल्दी समझ जाते हैं और हमारे पास आ जाते हैं। हमने कहा अब आए हो तो लात खाओ। अब इनके टीममेट होते हैं एकदम लुल आदमी, इनको बचाने भी नहीं आते। हमने सोचा बचाने आएंगे तो उनको भी ठेल देंगे। क्या भाई ये तुमने कैसे कैसे मच्छर टीममेट पाल रखे हैं, रिवाइव भी नहीं देने आते। इससे बढ़िया तो एक कबूतर पाल लो, वो कम से कम समाचार तो पहुंचा देगा कि हाँ वो वहाँ पड़े हैं, उठा लाओ जाके। और अब मिलवाते इनके टीममेट से, देखना अभी हमको कैसे ढूंढने में लगे पड़े हैं। देखो ये देखो, और वहाँ खड़े होके देख तो ऐसे रहे जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान की बॉर्डर पे खड़े हैं, इधर आएंगे तो उड़ा दिए जाएंगे। अब इनकी फटके 4 हो रही है तो ये हमारे पास तो आएंगे नहीं, अब हमको ही आना पड़ता है इधर इनकी दलाई करने के लिए, तो इनको फोड़ फाड़ के लॉबी पहुंचा देते। थोड़ी देर बाद घूमते घामते हम इधर आते तो इधर भी महाभारत जा रही है। अब हम यहाँ पे एक को मारते तो कुछ होता ही नहीं है, आज पता नहीं क्या हो गया, हेडशॉट फेडशॉट लगी नहीं रहते। उसके बाद हमारी खोपड़ी सनक जाती है, हम डायरेक्ट राइस्टार को फोन लगा देते हैं। मैंने कहा ए राइस्टार आज हेडशॉट फेडशॉट नहीं लग रहे, क्या बात है? राइस्टार कहते हैं मैंने हाई क्यू को लगा दिया है, पहले एक बंदे का चढ़ावा चढ़ाओ उसके बाद हेडशॉट पर हेडशॉट मारो। अब राइस्टार ने कहा तो मैंने एक चढ़ावा चढ़ा दिया, ले फिनिश कर दिया, अब आओ बंदो साले हाई क्यू लग गया अब तुम आओ। अरे बाबा हम तो मजाक कर रहे थे यार, तुम तो सच में हाई क्यू लगा दिए। अरे यार इतना खतरनाक है कि लगा दिए कहीं ID बैन ना हो जाए, अगर बैन हो हम सच बता रहे तुमको हम फ्री फायर में घुस के मारेंगे। ए इधर आ। तो गाइस मैंने अभी भी राइस्टार को कॉल की थी, कोई टेंशन नहीं है बैन कुछ नहीं होगा यार, अभी भी राइस्टार ने अच्छे से समझाया मेरे को। और अभी एक भाई साहब के पैरों की खड़बुड़ खड़बुड़ की आवाज आ रही है, अंदर ही बैठे हैं कहीं, अब देखो कब तक निकलते हैं तो फिर उनसे भी मिलेंगे। अरे भाई किधर जा रहे हो यार, तुम्हारी वजह से तो हम आधे घंटे से जोन में घिस रहे हैं और तुम हमको फुल इग्नोर मार रहे हो, गलत बात है। और अभी भी कहीं एक भाई जोन में छुपके बैठे हैं, उन्होंने अभी अभी हमको डैमेज दिया। मैंने कहा भाई चुपचाप कल्टी मार के निकल लो यहाँ से, अभी एक गोली किधर से आएगी किधर को जाएगी मालूम भी नहीं चलेगा, पता भी नहीं चलेगा, दिखेगी तो सिर्फ पेट। जोन देखो कितना छोटा हो गया और तुम्हारा भाई अभी भी यहीं पे जूझ रहा है। मैं तो अपनी गाड़ी लेके मस्त जोन में जा रहा था, कुछ भी नहीं खा रहा था, तभी देखता हूँ इन लोगों को मिर्ची लग जाती है। लोगों को मिर्ची लगी तो इसमें मैं क्या करूँ, मिर्ची लग रही है तो भाई पानी वानी पियो, हमारी गाड़ी कैसे फोड़ रहे हो यार? अबे सालो तुमने मेरी गाड़ी कैसे फोड़ी? रुको जरा सबर करो, अभी इन लोगों ने मेरी गाड़ी फोड़ी है, इससे पहले कि मेरे को फोड़े जितनी तेज हो सके उतनी तेज भाग भाग बेटा। बच गया भाई, बड़ी मुश्किल से बचा यार। अरे अरे भाई अरे मार, अरे साले कितना पीछा करोगे बे? कहे जी ये बहुत बड़े वाले ब्रांडेड शुगर हैं यार, पीछे ही नहीं छोड़ रहे। अभी क्या बताऊं यार, 2 किलोमीटर दौड़ के आ रहे और 4 किलोमीटर जाना बाकी है, उसके बाद जोन में पहुंचेंगे, उससे पहले कोई समाधि ना बना दे यार। तो यार मैं आई क्यू वाई क्यू लगा के चुपचाप इधर निकल आता हूँ, इधर इसलिए आता हूँ इधर दुकान भी है और तुम्हारे भाई के पास पैसा बहुत है, और सबसे बढ़िया बात इधर लौंडे उंडे चौड़े होके घूम रहे एकदम, इनकी धुलाई भी करेंगे। उससे पहले स्वागत है आपका फ्री फायर के विदाउट सबसे खतरनाक गेम प्ले में। क्यों भाई अभी तक सो रहा था क्या? और क्या दिखाई नहीं दे रहा, अभी सो के उठाओ, दुकान पे जा रहा हूँ बिस्कुट लेने, अभी चाय के साथ ब्रेड पकौड़े ठूसेंगे उसके बाद बंदों की धुलाई करेंगे, जो लेना था मैंने दुकान से ले लिया। अरे भाई अभी चाय पत्ती रहेगी यार, ये सब क्या देखना पड़ रहा है? तो देखो यार मैंने अब महीने भर के लिए चाय की पत्ती खरीद ली, अब रोज रोज दुकान पे नहीं आना पड़ेगा, ठीक है?
अभी सामने के साइड 3-4 बंदे फाइट कर रहे हैं, तो उनको पहले लड़न मरन दो। और जोन देखो, चवन्नी जितना जोन बचा है अभी भी 10 बंदे अलाइव है। यार हमको एक बात बताओ, ये बंदे जो रैंक पुश करते हैं ग्रैंड मास्टर जाने के लिए, ग्रैंड मास्टर पहुँच के उनको कौन सा अवार्ड मिलता है? अबे नूबड़े, तुम क्या जानो ग्रैंड मास्टर की पावर? कैसी पावर, हमको भी बताओ बे। ग्रैंड मास्टर पहुँच के एकदम अल्ट्रा प्रो लेजेंड फेजेंट एजेंट सबसे बड़े प्रो प्लेयर बन जाते हैं, मालूम है? अच्छा, तो ग्रैंड मास्टर वालों की लाइफ एकदम मस्त होगी। घर पे जाते होंगे, पापा कहते हैं लल्ला मैं ग्रैंड मास्टर करके आया है, खाना वाना खिलाओ, आरती वारती उतारो। यार साला, अगली बार हम भी ग्रैंड मास्टर जाएंगे, लेकिन अभी तो जोन में जाना पड़ेगा, तो जोन में चलते हैं ना। ग्रैंड मास्टर तो यूं कर लेंगे 2 महीने में चुटकी बजा के। साला ये वाला लौंडा बहुत चालू था, हम तो बातें क्या करने लगी, साला उल्लू बना के भाग के वाले बंदे को देखो गांजा फूक के आया, हम उसके पीछे आगे इसको दिखाई नहीं दे रहा, और ये हमारे पीछे पड़ा है हल्के मलेरिया भाई। और इनको देखो, ये तो ऐसे टहल रहे जैसे सुबह सुबह टहलने निकले हूँ। भाई 2:45 है, अभी भी नींद में हो क्या? जब ये नींद से जागते हैं तो इनका IQ काम करने लगता है। मेरे पास एक लड्डू फेंकते हैं, मैंने कहा थैंक यू भाई हमको याद दिलाने के लिए, हमारे पास भी 4-5 लड्डू पड़े हैं। अब यार तुमने याद दिला दिया है तो हमारे तरफ से 2 लड्डू ले लो, अच्छे लगे तो बताना और दे देंगे। पहला लड्डू ज्यादा पका लेते हैं तो वो पहुँचने से पहले ही फट जाता है। कहा भाई ये दूसरा वाला लो, परफेक्ट आएगा एकदम, अगर मुंह पे ना फटे तो पैसा वापस। देखा तुम्हारा भाई दिन प्रतिदिन प्रो होता जा रहा, अबे तू कैसे बच गया भाई? तो गाइस लास्ट जोन स्टार्ट हो गया और अब टाइम आ गया भुइया करने का। अभी भी 6 बंदे अलाइव है, 4 बंदे एक स्क्वाड के और 2 बंदे एक स्क्वाड के। और गाइस मेरी हेल्थ देखो, हेल्थ एकदम फुल है भाई साहब, 4 बंदों को एक साथ निपटा दूंगा, देखते रहो। अरे भाई भुइया।